दीपक जला रहे हैं, किस तरह देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को? क्या कहेंगी जो सभी लोग दीपक जला रहे हैं, लाइटें ऑफ कर दी आप इस मुहिम के साथ? हाँ बिल्कुल जी जी। आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं विधि जांगिड़। आप इस दीपोत्सव पर आज मैं आप सभी देशवासियों के सामने कुछ पंक्तियां साझा करना चाहूंगी, तो सुनिए। दीपक हूँ मैं लालायित हूँ, दीपक हूँ मैं लालायित हूँ, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूँ। आलोकित करना है पद को, मुझे निभाना अग्नि शपथ को, मुझे दीप कर्तव्य निभाना, मुझे भोर तक जलते जाना, इसी बोध से मैं कृतकृत हूँ, दीपक हूँ मैं लालायित हूँ, दीपक हूँ मैं लालायित हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये जोश वाकई में बना हुआ जो जोश है, जो एक जुनून है, जो जज्बा है, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक आह्वान कर रहे हैं और उसको लेकर के पूरा देश जो है वो एकजुट हो जा रहा है। और अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो अंकित जो स्थिति इस समय है वो ये है कि हर तरफ जो है वो तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग अब से ठीक 3 मिनट के आसपास का समय रह गया है, जब उसके बाद पूरा देश जो है वो 9 मिनट का जो एक आह्वान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर के पूरे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे पूरे देश में, और एक अलग ही नजारा पेश किया जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से जो कर्म योद्धा हमारे हैं, जो लगातार इस विपदा में, इस आपातकाल में, एक तरीके से कहना होगा कि जहां पर कि हर तरफ एक भय का वातावरण है इस बीमारी को लेकर के, उसमें भी काम कर रहे हैं, 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ऐसे में उन लोगों को भी ये जाहिर करवाना कि उनके साथ पूरा देश है और हम एकजुट हैं, और इससे एक दुनिया को एक सीख देनी है कि जहां पर एकता है वहीं विजय है, और उसी चीज को लेकर के हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाईं तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, वो खुद अपने यहां पर मौजूद हैं, उनके आवास पर देखिए किस तरीके से दीप प्रज्वलित किया गया है ओम का निशान बना करके। वहीं दूसरी तरफ जो सोसाइटीज हैं वहां पर भी लोग अपने अपने तरीके से बाहर निकल करके आ रहे हैं, पार्क में लोग मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, हालांकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बालकनीज में भी लोग आकर के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि जो एक आह्वान है प्राइम मिनिस्टर का, उसको पूरा कहीं ना कहीं पालन किया जा रहा है। और इस समय अगर देखा जाए, हमारे साथ राजीव कश्यप मौजूद हैं, राजीव के पास चलेंगे। राजीव, आप अभी मौजूद थे अश्विनी चौबे के आवास पर, वहां पर भी वो खुद मौजूद हैं और वो खुद भी प्रज्वलित कर रहे हैं। अभी हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना ब्रीफिंग दे रहा है इन चीजों को लेकर के। ये किस तरीके का संदेश इस समय पूरे देश में है और किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है इस दीप प्रज्वलित को करके, खास करके इन मंत्रियों के द्वारा और अश्विनी चौबे के द्वारा? राजीव, और ये जो मैसेज है पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि हम अपने जो योद्धा हैं, जो फ्रंट लर्नर हैं, जो लड़ रहे हैं लड़ाई को, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ्स हैं, चाहे हमारे तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोग हैं, उनके साथ, उनकी उम्मीदों को, उनकी जो उनको हौसला अफजाई के लिए तमाम लोग, उनका जो अभिनंदन करने के लिए, मैं एक बात आपको और बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने, ये तीसरा मौका है, 22 मार्च को जब उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और कहा था कि 5 बजे देश के तमाम लोग ताली और थाली से अभिनंदन करेंगे, तो कैसे पूरे देश ने एक साथ वो तस्वीर दिखाई थी, और आज उसकी बानगी दूसरी बार कि रात के 9 बजे, 5 अप्रैल को रात के 9 बजे 9 मिनट का ये प्रकाश, ये उम्मीदों का किरण जो है पूरी दुनिया को, यहां से ये मैसेज और संदेश लगातार दिया जा रहा है। जी, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं जो अपने आवास पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में हमने आपको दिखाया, ये आपको नजर आ रहे हैं इस समय स्वामी रामदेव जो कि इस समय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। वहीं बाईं तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको नजर आ रहे हैं। तो हर तरफ जो बड़े तमाम जो नेता हैं वो इस समय अपने अपने घरों के बाहर आकर के दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो जो माहौल बना है पूरे देश में, ये एक तरीके से फिर से दीपावली का वही एक त्योहार जैसा नजर आ रहा है। और इस समय जबकि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश में कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो है वो घर कर गई है इस बीमारी को लेकर के, जिस तरीके से हर व्यक्ति दहशत में है, एक भयावहता का रूप जो है ले चुकी है ये बीमारी, और ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, और वहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है। तमाम नेता जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय भी टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें हैं देखिए,
बाईं तरफ आप देख सकते हैं इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ सोसाइटीज की लाइट्स बंद कर दी गई हैं और वहां पर भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। लोग पार्क्स में जो है वो इस समय इकट्ठे हो गए हैं। हमारे साथ जोधपुर से अरुण हर्ष जुड़ रहे हैं। अरुण, जोधपुर में क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर इस प्रधानमंत्री के आह्वान को जो है वो लोग पूरा कर रहे हैं, किस तरीके से वहां पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, कितना उत्साह है लोगों के अंदर? अरुण, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था उसका नज़ारा मैं अपने कैमरामैन शिव सिंह को कहूँ वो दिखाए। ये देखिए तमाम जोधपुर की छतें आप देख सकते हैं दीपक से रोशन हो चुकी है। लोग पूरे जो जोधपुर सिटी के लोग हैं वो छतों पर दिखाई दे रहे हैं और ये तमाम लोग कई जगह पर तो लोग आतिशबाजी भी कर रहे हैं, ये शायद अति उत्साह ज़्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 9 बजे जब लाइट बंद करके छतों पर आकर दीपक जवाहरलाल ने का जो आह्वान किया था ये उसी की वानगी है कि पूरे जोधपुर में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर छतों पर दीपक जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये बताता है कि लोगों की प्रधानमंत्री के प्रति जो आस्था है वो कितनी गहरी, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो संकल्प दिया था 9 बजे 9 मिनट के लिए आप सभी छतों पर आकर दीपक जलाएंगे, ये दीपक आप देख सकते हैं तमाम जोधपुर की वो कोई छत ऐसी नहीं है जहाँ पर जो है दीपक नहीं जल रहा हो, तमाम वो जगह है जहाँ छत पर दीपक जल रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जोधपुर में लोगों का कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के इस आह्वान। वाकई में अरुण, और जिस तरीके का नज़ारा आप दिखा रहे हैं लगातार यहाँ पर, जैसे ही चूंकि 9 बज चुके हैं और ये पूरे भारत में एक तरीके से जो एक आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उसको जो है वो फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, और जैसा कि आपने ये बताया कि कुछ आतिशबाजियाँ भी हो रही हैं, यानी कि लोगों के अंदर उत्साह इस बात को लेकर के है अरुण कि किसी भी तरीके से कोरोना पर विजय जो है वो भारत हासिल करके रहे। अरुण, बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आह्वान किया था उसी की वानगी है, और ये देख के आप 9 बजते लाइटें बंद हो चुकी है, लोग घरों की छत पर आ चुके हैं, दीपक जला रहे हैं, और जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मोदी का जो संकल्प था, जो देशवासियों ने लॉकडाउन के दौरान उनको बिल्कुल लॉकडाउन की जो पालना करके किस तरह से कोरोना को हटाना है और हराना है, और ये देखिए आप तिरंगा लेके लोग आ गए हैं। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के प्रति और ये तिरंगा जो सम्मानजनक है उसको भी लोग फहरा रहे हैं, और ये एक संदेश देने का प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिए देश के लिए वो वाकई सकारात्मक है। पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत में जिस तरह से लॉकडाउन करके इस कोरोना वायरस को रोका गया है, यही लोगों में जो उम्मीद जगाई है कि प्रधानमंत्री है वो देश की जनता को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन हम जी न्यूज़ के माध्यम से लोगों से भी अपील करेंगे कि जो भी कोरोना के संक्रमित अगर कोई है और किसी को इस तरह के लक्षण दिखाई देते तो वो तुरंत अस्पताल जाए, बीमारी को छिपाए नहीं, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो समाज और प्रशासन सबकी जिम्मेवारी सामूहिक रूप से बनती है कि वो आगे आकर इसका जो है मुकाबला करे और लॉकडाउन की पालना करे। और प्रधानमंत्री का जो संदेश दिया गया था वाकई में जो प्रधानमंत्री का संदेश है उस पर लोग जो है अमल कर रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपसे मैं आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ सोसाइटीज़ में भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। बाईं तरफ मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जिस तरीके से दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जो हैं वो साफ तौर पर एक तरीके से दिए के उजाले में जो है वो नज़र आ रहे हैं, रोशन कर दिया गया हर तरफ। और जिस तरीके से ये संदेश जाता है कि एक बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर किस तरीके से देश की जनता उनके पीछे उनके शब्दों को पकड़ करके किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती है और वो काम किया जा रहा है, ये हर तरफ इस समय जिस तरीके से ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हम जोधपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां पर कि अरुण दिखा रहे थे किस तरीके से यहां पर स्थिति जो है वो ये है कि हर तरफ जगमग लाइट्स नजर आ रही हैं, चाहे वो टॉर्च हो, चाहे वो फ्लैश लाइट हो, चाहे वो दीपों की रोशनी हो, जिस तरीके से यहां पर लोग हिस्सा ले रहे हैं वो वाकई में कमाल का है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय